है, इन लोगों का एक अच्छी ज़मीन है और जिसको डेवलप करेंगे कॉलोनी काट के, और जो भी हैं उसको अच्छे ऊंची रेट में बेचेंगे ताकि आप लोगों को भी अच्छा प्रॉफिट होगा। ऐसा झांसा देके और परिवादिया से 26.5 लाख रुपए अतुल जॉन और उसके सहयोगी ने प्राप्त कर लिए। मेरा नाम हीना रानी सोनी है, मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज अ JEN राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। कॉलोनी डेवलप कर मोटा मुनाफा कमाने का सब्ज बाग दिखाकर हड़पे 26.5 लाख रुपए। परिवादिया ने सिविल लाइन्स थाने में आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा। सिविल लाइन्स थाना अंतर्गत रहने वाली परिवादिया शकुंतला देवी ने सिविल लाइन थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। सिविल लाइन थाने के हेड कांस्टेबल अर्जुन राम ने मुकदमे की जानकारी देते हुए बताया कि परिवादिया शकुंतला देवी को वर्ष 2018 में नाकामदार में रहने वाले अतुल जॉन, उसकी पत्नी मेवा सिंह रावत व नंदू टायर वाले ने मदार इलाके में कॉलोनी डेवलप करने के नाम पर एक जमीन दिखाई और उसे बेचकर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर उसके साथ 26.5 लाख रुपए ले लिए। लेकिन जब शकुंतला देवी ने हकीकत पता की और जाँच पड़ताल की तो मालूम हुआ कि आरोपियों के नाम कोई जमीन है ही नहीं, उन्होंने सिर्फ पैसा हड़पने की नीयत से ही ये खेल खेला था। इस पर परिवादिया शकुंतला देवी की रिपोर्ट पर IPC की धारा 420 और 120B में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कल दिनांक को परिवादिया श्रीमती शकुंतला जी उपस्थित थाना आए, जिन्होंने एक रिपोर्ट पेश की जिस पर बताया कि हमने वर्ष 2018 में नाका मदार स्थित अतुल जोन नाम का व्यक्ति व उसके साथ और सहयोगी भी हैं, जिसमें उसकी पत्नी मेवा सिंह रावत व नंदू टायर वाले, ये लोग आए। इन लोगों का एक अच्छी ज़मीन है और जिसको डेवलप करेंगे कॉलोनी काट के, और जो भी हैं उसको अच्छे ऊंची रेट में बेचेंगे ताकि आप लोगों को भी अच्छा प्रॉफिट होगा। ऐसा झांसा देके और परिवादिया से 26.5 लाख रुपए अतुल जॉन और उसके सहयोगी ने प्राप्त कर लिए। उसके बाद में जब उस परिवादिया को पता चला कि नहीं तो इनके नाम ज़मीन है नहीं ऐसा कुछ है, तब उसने सारा मालूमात करने के बाद में थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश किए। जो इन लोगों के नाम ज़मीन ही नहीं है वहाँ पर, और कॉलोनी डेवलप करने के नाम से पैसे हड़प लिए, तो इन्होंने सरासर इनके साथ धोखाधड़ी की। ये धारा 420 120 भी 26.5 लाख रुपए ले चुके हैं अब तक।